नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत सरकार के एक उपक्रम में एक ITI बेस पर नई वैकेंसी निकली है, जिसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। अब कौन सी डिपार्टमेंट में रहेगी, कितनी वैकेंसी हैं, मतलब कितनी पोस्ट हैं और क्या उसकी सैलरी रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं और कब तक उसकी लास्ट डेट रहेगी, ये सभी चर्चा इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए और लास्ट एंड तक देखना कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगी और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एज क्या है, सब बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, नौकरी है भारत सरकार के उपक्रम की, आपने नाम सुना होगा NIT की, NIT में है, NIT में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आपको आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला में है। अब ये कब जारी हुई थी, ये आपकी मैं आपको इसकी तिथि बताने वाला हूँ, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी तिथि जारी हुई थी 15/9/2021 को, आपको दिख रहा है ना, 15/9/2021 को जारी हुई थी ये 15/9/2021 को। अभी क्या है, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। अब देखो, NIT क्या है, NIT इंजीनियरिंग लेवल की ऐसे मान लो कि सबसे शानदार शाखा है। NIT में जैसे IIT होती है, IIT से नीचे फिर NIT होती है, ये इंजीनियरिंग लेवल की शाखाएं होती है, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं, इन इंस्टीट्यूट में आपको ITI बेस पर वैकेंसी निकले हैं, ठीक है। अब कितनी शानदार पोस्ट है आपको दिखाता हूँ, इसमें कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या रहेगी और आपको आपकी सैलरी क्या रहेगी, ये आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखो, इसकी ये कब जारी हुई थी, 15/9/2021 को जारी हुई थी और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर देखो, NITA नोटिफिकेशन 33/35 नोटिफिकेशन नंबर है। अब कब जारी हुई थी, 2019 को जारी हुई थी, ये वैकेंसियाँ कब जारी हुई थी, 2019 को, तो बीच में फॉर्म अप्लाई भी किए गए थे, किसी कारणवश अगर उसकी जो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई तो उनको दोबारा जारी किया गया है। तो इसमें ये भी बताएगा आपको, धीरे धीरे बताऊँगा आपको। देखो, ये सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, फिर नंबर 5 पे आता है असिस्टेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग क्या आता है, फिर 6 पे जूनियर इंजीनियर आता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट आता है, SAS आता है, फार्मासिस्ट आता है, ऑफिस असिस्टेंट आता है, जूनियर असिस्टेंट आता है। चलो, इसके बाद अपने ITI बेस पे कहाँ थे आपको दिखाता हूँ। देखो, ये अपने ITI बेस पे आते हैं, ये है ना, नंबर 12 से लेकर, तो आपको नंबर 12 पे लिखा ना, ये आपको ITI बेस पे मिलेंगे। PB नंबर 1 में क्या है, देखो, सीनियर असिस्टेंट, यहाँ से 12 से सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी पे बैंड 1 ग्रेड पे 2400 पे लेवल 4/6 पोस्ट देगी यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर 13 नंबर से देखेंगे, ये दिखा रहे हैं 13 नंबर से टेक्निशियन की पोस्ट दोगे ग्रुप सी की PB, ये दे रखी है, ये अपने ITI पेज पे आती है, पे लेवल नंबर 3 आता है और 18 पोस्ट दे रखी हैं। नौकरी बड़ी शानदार है, आप फॉर्म अप्लाई करके एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो ऐसे मान लो कि बहुत शानदार नौकरी है ITI बेस पे, क्योंकि NIT देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग शाखा जो इंस्टीट्यूट होता है, जैसे IIT होती है, NIT होती है, वहाँ आपको ITI बेस पे वैकेंसी निकली हैं। कहाँ पे हैं, ये अगरतला में रहेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ आगे, देखो दूसरी पोस्ट कौन सी है, सीनियर टेक्नीशियन की, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो बताने वाला हूँ। ग्रुप सी की है, पे बैंड नंबर 1 ग्रेड पे 2400 रहेगी, लेवल 4 रहेगा और 9 पोस्टें निकली हैं, ये तो थी इसमें। देखो, अब इसमें और क्या दिया गया आपको दिखाता हूँ। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट प्रिपरेटरी फॉर्मेट द रिक्रूटमेंट वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट में पोजीशन इन द इंस्टीट्यूट। नॉन टीचिंग के लिए आपको भी सर हमें या टीचर लगाया जाएगा, वो तो नॉन टीचिंग के लिए ही यहाँ पे। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, देखो ये पोस्ट कब जारी हुई थी उसके बारे में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू एडवर्टाइजमेंट नंबर NAF NITA 75 बल्कि 2/519 इस्टेब्लिशमेंट 2019/17/17 डेट 2/11/2019 को नीड टू नोट अप्लाइड अगेन 2/11/2019 को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, तब जिन साथियों ने फॉर्म भरा था उनको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, नए सिरे से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और जो लोग पहले नहीं भर पाए थे तो उनको दोबारा मौका दिया गया है। ये जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो उनके लिए क्या लिखा है कि कैंडिडेट, देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, कैंडिडेट नोट नीड अप्लाई लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, कैंडिडेट नोट नीड अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द 30/9/2021 तक को आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ये बताने वाला हूँ कि इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। अपन बात करेंगे पोस्ट नंबर आपको 13 और 14 टेक्नीशियन ग्रुप सी सीनियर टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, नीचे कुछ नहीं दिखाइए, जो बाकी ऊपर की पोस्ट है उनकी मैं अपने ITI के लेवल की बात करता हूँ।
ITLL में कहाँ थे, देखो आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, मैं स्क्रॉल करके नीचे नीचे आता है ITLL की, क्योंकि 13 और 14 नंबर के पोस्ट आती हैं उसमें दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये आ गई अपने, ये दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पे चलेंगे, ये आ गई टेक्नीशियन की, ये आ गई अपने टेक्नीशियन की पोस्ट। अब इसमें आपको दिखाता हूँ, पूरी डिटेल दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे क्या रहेगा आपके लिए, नेम ऑफ पोस्ट ये टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ग्रुप सी में रहेगी। पे स्केल आपकी, आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, ये ग्रेड पे रहेगी, पे बैंड रहेगा, पे बैंड आपका 5200 से 20200 का रहेगा, ग्रेड पे आपकी 2000 ही रहेगी, ठीक है। वेदर सेक्शन पोस्ट नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉन, कोई ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। एज लिमिट ऑफ 27 साल आपको दे रखी है, 27 साल तक रहेंगे, और जिनको छूट मिलने वाली है वो जो जो आपकी एज में छूट मिली है, जैसे SC ST के लिए अलग है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अलग अलग है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए के डिसाइड होता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की होती है, OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, वो आपको पूरी छूट मिलने वाली है। लेकिन जनरल यदि उम्र देखा जाए, यदि आपकी एज देखा जाए 27 साल के लिए माना गया है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी वो आपको इसी वीडियो में देखो, क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, पूरी आपको डिटेल मिलेगी। ये लिखा है इस क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये देखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये है सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड विद ए लेस्ट 60%। यदि आपने साइंस से सीनियर कर रखी है, 10+2 कर रखी है, तो आपको 60% नंबर अनिवार्य है। फिर दूसरे नंबर पर दे रखा है, यदि सीनियर सेकेंडरी आपने 10+2 कर रखी है गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो 50% चाहिए, साथ में आपको ITI की मार्कशीट चाहिए, अप्रोक्सीमेट जो भी आपकी ट्रेड रहेगी उसके लिए आपको ITI की मार्कशीट अवश्य चाहिए। ITI का कोर्स ये 1 साल का, यदि आपके पास 50% नंबर है तो 1 साल का कोर्स चाहिए, ठीक है। 60% होंगे तो कोई आपको ITI नहीं चाहिए, 50% नंबर हैं तो आपको 1 साल का ITI का कोर्स चाहिए, जैसे वेल्डर आता है और डीजल मैकेनिक आता है, ये 1 साल के कोर्स होते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए आगे देखें, यदि आपके पास 2 साल की ITI है, 10 आपने 10वीं कर रखी है, तो ये लिखा है 10 सेकेंडरी 10वीं पास विद एटलीस्ट 60% आपको 10वीं में अनिवार्य रूप से हैं, और 2 साल की मार्कशीट आपको अवश्य चाहिए ITI की। यदि आपके पास 10वीं में या 10th में 60% नंबर है, तो 2 साल की ITI की मार्कशीट होगी, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपकी है क्वालिफिकेशन। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे नीचे पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 1 साल का नए रिक्रूटमेंट के हिसाब से NIT नेशनल इंडियन टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से आपको दिखाता हूँ। प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपको परमानेंट जॉब के लिए 1 साल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, वहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन रहेगा NIT के नियमानुसार, ठीक है। अब इसमें देखो पोस्टें कितनी थी वो आप लोगों को दिखा चुका हूँ, उन पोस्टों में से क्या लिखा है उन्होंने कि कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होगी भर्ती करने की, सिर्फ साफ साफ लिख के दिया है कि 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो पोस्टें रहेंगी उनमें से 75% पोस्ट आपके आपको भर्ती करके पूरी की जाएंगी, और 25% पोस्ट होंगे जो पहले ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके द्वारा प्रमोशन करके उन पोस्टों को भरा जाएगा, जैसे टेक्नीशियन की है, सीनियर टेक्नीशियन की है, 25% पोस्ट को प्रमोशन करेंगे जो पहले ऑलरेडी जो कर्मचारी लगे हैं उनके हिसाब से, और 75% नए रिक्रूटमेंट के हिसाब से नई भर्ती करके उनको पूरा करेंगे जो पोस्ट आपको दे रखी हैं। ये सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट, इसमें आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये जो आपके ग्रेड पे है यहाँ पे 2400 ग्रेड पे रहेगी, उसकी थी 2000 ग्रेड पे, यहाँ 2400, मतलब कि ये पे बैंड का और ग्रेड पे का चक्कर पड़ जाता है यहाँ पे, तो 2400 ग्रेड पे की बेसिक कितनी रहेगी उसमें कुछ सैलरी का अंतर होता है, तो यहाँ सैलरी कुछ टेक्नीशियन से ज़्यादा होने वाली है इसमें सीनियर के में, और यहाँ पे दे रखा है उसमें तो 75% पोस्ट कैसी थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बननी थी, यहाँ 50% पोस्ट जो दे रखी हैं, 50% पोस्ट तो आपकी नई रिक्रूटमेंट के हिसाब से नई भर्ती करके पूरा करेंगे, और 50% पोस्ट यहाँ पे प्रमोशन करके पूरा करेंगे, तो जो पोस्ट दे रखी है उनके हिसाब से देख लेना कितनी पोस्ट आपको दे रखी हैं, ठीक है। ये तो थी इसमें, और प्रमोशन के पास जिसमें ये प्रमोशन कैसे होगा, जैसे 5 साल की सर्विस जिसकी होगी 2000 ग्रेड पे के हिसाब से, तो उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा 5 साल के बाद में, उनके द्वारा पोस्टें भर ली जाएगी। ये तो थी दोस्तों आपकी NIT के अंदर अगरतला में ITI बेस पर जो वैकेंसी थी उनके बारे में मैंने आपको बताया है। फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 30/9/2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये
और यदि आपको किसी प्रकार की इसमें जानकारी चाहिए, किस तरह में समझ में आया, तो मेरे पास कमेंट्स कर देना। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना। और जिन साथियों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद या नई नई भर्ती हुई जानकारी मिलने के बाद कैसे तैयारी कर सकते हो उसके संपूर्ण सिलेबस इलेक्ट्रिशियन का या वायरमैन का, ठीक है ना, संपूर्ण सिलेबस या हमें नियमित पैटर्न के आधार बारीकी से पढ़ाया गया, बारीकी से अध्ययन करवाया गया है। ये भी आप एक बार भी जाके देखोगे तो आपको खुद भी खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम यहाँ कितनी तैयारी करके मेहनत प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं कितनी मेहनत करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।